नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज और मैं दिष्टुर उपाध्याय। कथित बॉलीवुड अभिनेत्री और लिबरल गैंग की सरगना के नाम से मशहूर स्वरा भास्कर आए दिन कोई ना कोई ऐसा नफरती ज्ञान दे ही देती हैं, जिसके बाद उनका यह ज्ञान खुद पर ही भारी पड़ जाता है। इनका एक ही मकसद होता है कि राष्ट्रवादियों और हिंदू धर्म के खिलाफ प्रोपेगेंडा फैलाते हुए उन्हें बदनाम करने की कोशिशें करती रहती हैं। ये जमीनी स्तर पर कम, सोशल मीडिया पर ज्यादा एक्टिव रहती हैं, इसलिए लोग इन्हें सोशल मीडिया पर भी आईना दिखाते रहते हैं। एक बार फिर से स्वरा भास्कर ने उत्तराखंड के हरिद्वार में महाकुंभ के आयोजन पर सवाल उठाए हैं। स्वरा भास्कर ने समाचार एजेंसी ANI की कुछ तस्वीरें जिसमें शाही स्नान के दौरान भक्तों की फोटो शेयर की है और कहती हैं कि जो लोग तबलीगियों से नाराज थे अब खुद से सवाल क्यों नहीं पूछते। फिर क्या था, हर बार की तरह इस बार भी स्वरा भास्कर सोशल मीडिया यूजर्स के निशाने पर आ गई। उनके ट्वीट पर लोग जमकर अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, स्वरा भास्कर को ट्रोल भी कर रहे हैं और कह रहे हैं कि शायद उन्हें पता नहीं है कि मेले में जाने वाले सभी लोगों ने अपनी कोविड नेगेटिव रिपोर्ट प्रशासन को दिखाई है। एक यूजर ने स्वरा के ट्वीट का जवाब देते हुए लिखा कि कुंभ में गए हर आदमी ने नेगेटिव कोरोना रिपोर्ट जमा की है, लॉकडाउन लगा हो फिर भी गया हो ऐसा भी नहीं, कोई किसी पर थूक नहीं रहा, छुप नहीं रहा, कोई इलाज से भागेगा भी नहीं। लिख लीजिए, कुंभ होने या टालने पर बहस कीजिए, पर तराजू बैलेंस करने के लिए जबरदस्ती तबलीगी जमात से तुलना मत कीजिए। एक और यूजर ने लिखा कि जिन्हें कोरोना पॉजिटिव होकर जगह जगह थूककर लाखों जिंदगी खतरे में डालने वालों से हमदर्दी और नेगेटिव रिपोर्ट लेकर शांतिपूर्ण तरीके से धार्मिक स्नान करने वालों से नफरत होने लगे तो समझ जाओ उनकी नस्ली दोगली है, सिद्ध और शुद्ध तौर पर दोगली हो। एक और यूजर ने लिखा कि कुंभ तीर्थ यात्रियों और तबलीगी जमातियों में बहुत फर्क है, उत्तराखंड में लॉकडाउन नहीं है, कुंभ आने वाले सभी लोगों का कोरोना टेस्ट हुआ और अगर फिर भी कोई कोरोना पॉजिटिव मिल जाएगा तो वो भागेगा नहीं और ना ही इलाज करने वालों पर थूकेगा, ना ही पेशाब की बोतल फेंकी जाएगी। एक ने लिखा कि थूक लगाकर सब्जी किसने बेची, थूक लगाकर शादियों में रोटी बनाते हुए कौन पकड़ा गया, कोरोना के चेकअप से बचने के लिए धर्म स्थल का सहारा किसने लिया, हिंदू बनकर लड़कियों को कौन बहलाता या फुसलाकर शादी करता है, कोई बताएगा टोपी वाला या बिना टोपी वाला। तो इस तरह से स्वरा को महाकुंभ पर ज्ञान देना भारी पड़ गया और लोगों ने सबूतों के साथ बोलती बंद कर दी। वैसे पहला मौका नहीं है जब इस तरह से स्वरा ट्रोल हुई हो, इससे पहले भी कई बार झूठी खबरें फैलाकर ट्रोल हो चुकी हैं। स्वरा के इस ट्वीट पर आपकी भी क्या राय है, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीके न्यूज। नमस्कार।